पता लगना चाहिए व्याह वो भी निधि अत्री का निधि तलवार। ओहो सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो आज है 25 मार्च और आज सभी जो है हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा निधि की फैमिली आए हुए हैं, मम्मी यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, नाश्ता नुश्ता मम्मी ने बना के सबको खिला दिया है और भाभी जी तो साढ़े भांडे मानते पे आ। ठीक है जी, साढ़े वीर जी उरे बैठे ने, मम्मा उरे बैठे ने, पापा किधर गए, मामू मम्मी उपर गए, इधर मनीषा है, मनीषा भी कपड़े चेंज कर दी पी आ। बई साडा की है, पेंट शर्ट पानी होंगी है, 100 रुपए ने साथ बंदे झोला चक के है ना। सो मनीषा को जो है मैं अभी अभी लेके आया हूँ मामू के घर पे, क्योंकि रात को मनीषा होनी जो है मामू के घर रुके थे। क्योंकि यार निधि को अच्छी कंपनी मिल जाती है, सब लोग होते अकेले मामू मम्मी होते तो थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि ऐसे इकट्ठ इकट्ठ होता है ना, फिर जैसे मिलते हैं तो फिर और ज्यादा मजा आता है। तो मनीषा गई थी 2.5 रुपए वाला मुँह क्यों बनानी पी है, ठीक बात। आज पैसा जमा कराया जा रहा है मैनू, मैं तो कुछ सामान लेने ने उदा ही दे गए, कहंदे कुछ खरीद ली चूड़ा लेना। I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterfly। सो सारे रहने रेडी हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं मामा मम्मी के घर, निधि को पिक कर लेते हैं यहाँ से, फिर यहाँ आके फिर सीधा चलते हैं बाजार की ओर। ठीक है जी, दिन है अपने लिए कपड़े लेने हैं, उसकी फैमिली ने लेने हैं, बहुत कुछ लेना है यार, बहुत सामान करना है। मेरे को लग रहा है पूरा दिन लग जाएगा, शाम के 7-8 आराम से बज जाएंगे, बज जाएंगे ना 7-8 आराम ना 7-8 बज जाने, क्योंकि इस टाइम 11:17 हो चुके हैं, मतलब पहुंचते पहुंचते भी मैंने लगता 12:15 तो बज ही जाने आराम। सो शाम के 7 बजना मामूली जी गल आ। मैडम जी चलो, ओ वाह मैचिंग करके बैठी है मेरे नाल, आपको पता था कि मैं ये वाला सूट पहनने वाली हूं। ठीक है आगे पापा मेरा सारे तैयार हैं, आगे गाड़ी लेके, हां गाड़ी लेके आए हैं। चल ये ना जानबूझ के मैचिंग करती है मेरे साथ, मैं तो सब कोई मैचिंग करना में इंटरेस्ट नहीं हूं। वाइट वाइट क्यों डाला है फिर, आई हैव प्यार ही है ना, मेरे को भी प्यार है, देख कितनी पतली हो गई, सूट भी फिट नहीं बैठा इसको। अरे अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, कुड़ी दा व्याह वा, कुड़ी दा व्याह, चल आ चलिए, चलो बच्चा पार्टी, बाय बाय। तैयार हो, निधि आ गई है, हैं हाँ हाँ चले कालो। Have you ever loved so much it almost hurt? तो मनीषा होनी जो है पार्किंग लगाने गए थे गाड़ी की, मतलब मामू मम्मी सारे जो भी गाड़ी में थे ये आ रहे हैं भाई, टहलते हैं ननान पर जाई कि यार चेक। पापा कैसा लगा लुधियाना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा, गर्मी गर्मी तो ठीक ही है, ठीक ही है, ट्रैफिक ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है। कैसा लगा लुधियाना, बढ़िया है, अभी धीरे धीरे घूमोगे, धीरे धीरे घूमोगे, गर्मी कैसी लगी लुधियाना की है, ट्रैफिक अभी कम है, इन्नियां वड्डियां वड्डियां सैंडलां पा लेंदे आ। सो पहली ड्रेस कैंसल करती, सिंपल है, रॉयल आइटम है, आ देखो कैंसल, स्पेशल गर्ल लिश सर कैंसल, कैंसल कर लो जी, मेनू लो जी, आ देखो आइटम, फिर आ वाला कैंसल नहीं होएगा, ऑसम आइटम, आ लो जी सेम पीस, शायद तुसी बाहर देखा भी होगा तो लाल दा, आ देखो पीस कैसा लगा जी पैटर्न, यदि कलर हो रहा है दूसरा कलर भी दिखा दूं, लो जी स्टाइल ही बनेगा आपका, पेंडिंग रखो भाई, ठीक है स्पेशल येलो कलर में आ रहा, बहुत सोना पीस है मेरे को आ वाला, स्पेशल बॉम्बे री आइटम है, ला लो जी, ला लो जी, ये था दा फेवरेट कलर है, फेवरेट तो है पर ठीक है, ये देखो दूसरा डिजाइन भी दिखा दे, दो डिजाइन है इसमें, वो वन पीस में आती है, ठीक है ना भैया, पर ये ड्रेस नहीं चलती जिसके विच पैक होता नीचे, नहीं नहीं
सूट है जिहड़ा साडी मैडम जी नूं पसंद आया वा मुबारक हो इसे 2.5 रुपए लड्डू बन गया पापा ठीक है यार बेबी है ना ए ले ए ले जी एक वाला आ गया इसमें एक ब्लू आ गया तो निधि नु आ मिलया आ टिंड फोड़ी चक्की ने आया ना ना गुथली गुथली हां सच गुथली गुथली की थोड़ा कहंदे की कहंदे पोटली पर ये दो फायदे है एक पंथ दो गाए नाल नाल रब दा नाम जपी जाओ इन्ना ढेर लग गया लत्ता नहीं सिद्धियां हो रही लगना चाहिए निधि अत्री का निधि तलवार कलर दिखा दो भाई बेबी ना समोसे खा रहे थे कह रही आपने तो बोला था दो मिलेंगे इतनी भुक्कड़ एक तो खा ले पहले हाँ बोलूंगा मैं तो सच्चाई गई सच्चाई जान लो आप लोग निधि की देख लो बहुत भुक्कड़ है ये पर आजकल पतली हुई पड़ी है पर नहीं कैसे अच्छी लग रही है तू कैसे पहले तो लोग थे ना जंबो सारे सूट निकलवा दिए पसंद कितने करे कर लिए वैसे ना यार नेटवर्क ही नहीं है हाँ नहीं है यहाँ पे ना क्या गुम होगी कोई नहीं पी के सुट देना वो तू कड़ा नाल करे अच्छा गर्मियों के पानी भर के रखेंगे ना फ्रिज तो अभी बारी है लहंगे की सो गाइस फाइनली निधि का लहंगा भी हो चुका है फाइनल और इतना ज्यादा थक गया ना क्या बताएं लेकिन अभी भी जो है जेंट्स के कपड़े रहते हैं इनके लहंगे के लिए कितने बजे 3:50 हो गए यार कह रहे थे आज सारी शॉपिंग करके आज ही 4 बजे निकल जाएंगे यही बज जाने बेटे 5:30 अभी मार्केट के चक्कर लगाने हैं चूड़ा वगैरह भी लेना है तूने अभी बहुत कुछ लेना है जुत्तियाँ वगैरह लेनी है अभी बहुत कुछ लेना है जो भी लेना है मतलब जुत्तियाँ अभी मेरी शेरवानी भी फाइनल करनी है मेरे को बोल रहा हूँ कि घर डालने के लिए ले लो एक दो सूट एक पसंद करा उसमें भी कह रहे हैं एक ठीक है हाँ सारे पुराने हो गए शॉपिंग वगैरह हो गई है मम्मी को भी मैंने शॉपिंग करवा दी मैंने कहा लगे हाथ कर ही लो एक और दे दो एक और दे दो एक और दे दो कितने सूट लेने और भाई ने अज बहुत सारा दिता थैंक यू भाई ते जे किसी ने किसी भी तरह की ड्रेस कोई लहंगा कोई सूट कुछ भी मतलब के चाहिए हो ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं अपना एक बार एड्रेस दस दो तो आ भाई दा विजिटिंग कार्ड नीलकंठ सिल्क स्टोर प्रताप बाजार दे विच जो मौजूद आ ते इस नंबर भी तुहानू दिख रहा होगा भाई तुहानू सूट व्हाट्सएप भी कर देंगे दिखा देंगे ते जे किसी ने भी लेना होवे तां भाई नाल जरूर कॉन्टैक्ट करो सुबह से शॉपिंग कर रहे हैं और लुधियाना का चौड़ा बाजार मैं कहना टप्पा टप्पा खान मारता आया बंद देख ली शोर कम है क्योंकि ट्रैफिक कम हो रहा है ना जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उस वजह से यहाँ पे व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है बिकॉज चोरों का भी नहीं पता कब कौन पीछे से आए और फोन को झपट्टा मार के चला जाए वैसे मैं आपको बताऊं इन्ने चूड़े खोलते थे एक पसंद नहीं आया इन्हें आप ध्यान से देखो मैं कौन सा बड़ा वो हूँ Out of the trench below, haven't I suffered enough to let you go? सो गाइस मामा जी के घर आ गए थे शॉपिंग आधी अधूरी हुई है अभी आधी बाकी है बाकी के लिए कल जाएंगे
और यार बहुत ज्यादा थक चुके हैं हम लोग। मेरी तो बैग इतनी पेन हो रही है, ऊपर से सिर इतना पेन हो रहा है ना, क्या बताऊं मैं। और अब कुछ और करने की हिम्मत नहीं है। निधि जो है अभी फ्रेश हो रही है, मम्मी जी खाना बना रहे हैं अभी, यहाँ पे खाना खाएंगे। और अभी अभी जो है, जो हमने निधि की वरी के लिए, वरी में जो कपड़े बनाए थे उसका, वो सिलने देने थे, तो वो आंटी आए हुए थे जिन्होंने सिलने हैं, वो निधि का नाप लेके गए हैं। बाकी कल दोबारा जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, जो रहता है सामान लेने का। और ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बिकॉज और कुछ करने की अभी हिम्मत नहीं है। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।